कर्मचारी संघ ने आज कंपनी के सीईओ के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि श्रमायुक्त के साथ जो समझौता हुआ था उसके बाद भी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। आज क्यों ज्ञापन दिया है? आज हमने अल्टीमेशन दिया है, 72 घंटे बाद गाड़ी पूरी मध्य प्रदेश की गाड़ी बंद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे 11 तारीख को श्रम विभाग ने जो आदेश दिया था उसका पालन कंपनी कर नहीं रही है। कंपनी को बोला गया था अब इनकी तत्काल ज्वाइनिंग कराओ, लेकिन हम अभी लोगों को होल्ड पर रखा है, 480 कर्मचारी को लोग होल्ड पर रखा है। इसलिए हमने 72 घंटे का अल्टीमेशन दिया, 72 घंटे में यदि हमको ज्वाइन नहीं कराया तो पूरे मध्य प्रदेश सेवा बाधित हो जाएगी। इसका जिम्मेदार स्वयं कंपनी, ZHL और NHM रहेगा, दोनों को ये साइन है 11 तारीख को जो ज्ञापन समझौते पर।